सबसे पहले केस स्टडी क्वेश्चन करते हैं हॉलो कंडक्टर्स पे। सुन लो पैराग्राफ क्या है। अ फैराडे केज और अ फैराडे शील्ड इज एन एनक्लोजर मेड ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। द फील्ड्स विद इन अ कंडक्टर कैंसल आउट विद एनी एक्सटर्नल फील्ड्स, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द एनक्लोजर इज जीरो। Faraday cages act as big hollow conductors. You can put things in to shield them from electrical fields. Any electrical shocks the cage receives pass harmlessly around the outside of the cage. ठीक है, around the outside of the cage. Questions हैं, which of the following material can be used to make a Faraday cage? Plastic, glass, कॉपर, वुड। चलिए बताइए क्या ऑप्शन है, कॉपर, प्लास्टिक, ग्लास या वुड, इनमें से कौन सा हम बना सकते हैं फैराडे केज? विच मटेरियल विल बी प्रेफर्ड? यस, मेटल होनी चाहिए ना। हॉलो कंडक्टर्स आर मेटालिक स्फीयर्स, हॉलो मेटालिक कंडक्टर्स, तो ये आएगा कॉपर। यस, सी ऑप्शन आएगी, कॉपर का बना सकते हैं हम। तो मेटालिक स्फीयर होना चाहिए, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो इट विल बी सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल अनवांटेड इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड दिस हॉलो कंडक्टर विल बी कॉल्ड फैराडे केज। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ अ रियल वर्ल्ड फैराडे केज इज कार, प्लास्टिक बॉक्स, लाइटनिंग रॉड, मेटल रॉड। बताओ रियल वर्ल्ड फैराडे केज कौन सा है? कार, वेरी गुड। तो आपको बताया गया है कि इट इज एडवाइजेबल टू सिट इनसाइड अ कार देन टू स्टैंड अंडर अ ट्री ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म बिकॉज़ कार विल एक्ट लाइक अ गुड फैराडे केज। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड अ फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग? सेम एज लाइटनिंग, हाफ दैट ऑफ लाइटनिंग, जीरो, क्वार्टर ऑफ द लाइटनिंग? मैम जीरो। जीरो, यही तो हम कह रहे हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। फोर्थ है, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द फैराडे केज, इट्स सरफेस मस्ट हैव अ चार्ज इक्वल टू व्हाट? एक प्लस क्यू चार्ज आपने फैराडे केज के सेंटर में रख दिया है, वो सरफेस पे कितना आएगा? हाँ, कितना होगा सरफेस पे? माइनस क्यू आएगा मैम, ऑपोजिट होगा। माइनस क्यू नहीं, माइनस क्यू क्यू होगा। एनी चार्ज गिवन टू हॉलो कंडक्टर अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस, तो सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, प्लस क्यू होगा, माइनस क्यू नहीं। ये देखो आपका, हमने फैराडे कंडक्टर है, केज है, ये प्लस क्यू है, बाय इंडक्शन या माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा। एंड गॉसियन स्फीयर डज नॉट इंक्लोज एनी चार्ज, नेट चार्ज इसके अंदर तो जीरो ही रहेगा, वो जो चार्ज यहाँ दिया था वो ऊपर आ गया, तो सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज ही आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 1.7 माइक्रो कूलम, पॉइंट चार्ज 1.7 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ फैराडे केज इन द शेप ऑफ क्यूब विद सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर एज। अब इस केस में फैराडे केज एक क्यूब है, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने चार्ज रख दिया, उसके सेंटर पे क्यूब की डायमेंशन दी हुई है 9 सेंटीमीटर। The number of electric field lines passing through the cube normally will be, number of lines मतलब flux निकालनी है passing through the cube in perpendicular direction. So you will use Gauss's theorem. कौन सी theorem use करोगे यहाँ पे? Number of lines निकालने के लिए क्या use कर सकते हो आप? Phi is equal to q by epsilon naught use कर सकते हो, ठीक है? तो करिए solve इसको, बताओ क्या answer आ रहा है। Use Gauss's theorem to find the answer. हाँ जी बताइए कितना आंसर आ रहा है। करें सॉल्व,
तो इसका मतलब क्यूब की डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है नंबर ऑफ लाइंस। चार्ज है 1.7 माइक्रो एंड एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इनटू 10 रेस पर माइनस 12। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आपको नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएगा। तो बी पार्ट इज करेक्ट, 1.9 इनटू 10 रेस पर 5 लीविंग द सरफेस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपको पता ही है फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम और एरिया आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये था एक केस स्टडी क्वेश्चन फैराडे के जिसके ऊपर, राइट? अब असर्शन रीजन करते हैं फर्स्ट यूनिट में से। आई अगेन रिपीट, वेंसडे को आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन टेस्ट 2 है, ठीक है? कल हमने रिवीजन टेस्ट 1 डिस्कस कर लिया था, अब आपका रिवीजन टेस्ट 2 होगा। चलिए लिखिए असर्शन। असर्शन, द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन इट। The force between the plates of a parallel plate capacitor is proportional to the charge on it. ये assertion है, ठीक है? और reason है electric force is equal to charge per unit area. Reason is electric force is charge per unit area. चलो पहले तो check करो whether both the statements are correct or not. असर्शन देखो, असर्शन करेक्ट है क्या? इज असर्शन करेक्ट मैम? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फोर्स, फोर्स की बात कर रहे हैं ना, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना होता है, कितना होता है, क्या कह रहे हैं? फोर्स depends on charge on it between the plates of capacitor. Force कितना होगा between the plates of capacitor? F is equal to QE. और Q E को आप क्या लिख सकते हो? Between sigma by epsilon naught. ठीक है, sigma by epsilon naught. अब surface charge density जो है sigma, वो भी तो charge पर depend करती है ना, तो अगर आप उसको put करते हो तो ये आ जाता है Q इंटू क्यू ओवर ए। तो ये फोर्स तो Q स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया इसके अकॉर्डिंग, इसमें तो फोर्स Q स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन। स्टेटमेंट वैसे लग तो ठीक रही है पर यहाँ Q स्क्वायर आ रहा है। कैपेसिटेंस से अगर हम रिलेट करें, V इज इक्वल टू ई डी, तो E को यहां पे हम V ओवर D भी तो पुट कर सकते हैं। तो अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है उसको भी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, पर एरिया भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे आंसर इन्होंने दिया हुआ है कि असर्शन ट्रू है, और रीजन, रीजन क्या है वो तो गलत ही है ना। उन्होंने बोला फोर्स इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, गलत है। चार्ज पर यूनिट एरिया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, फोर्स नहीं होता। तो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो इन्होंने सी ऑप्शन आंसर दी हुई, ठीक है? व्हाट डू यू से, फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पे कि नहीं करता? हाँ चलो स्क्वायर नहीं लिखा पर चार्ज पे डिपेंड तो करता है ना, तो इस वे से असर्शन करेक्ट, राइट? चलिए नेक्स्ट असर्शन लिखिए। असर्शन, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज between any two points
in a uniform electric field is independent of the path followed by the charge between these points. Work वो कहते हैं कि path पे depend नहीं करता, shape of path पे depend नहीं करता. Reason, electrostatic forces are not conservative. Reason, electrostatic forces are not conservative. चलो बताओ क्या answer आएगा इसका. ये तो clear cut है. This is clear cut question. Yes, anyone? Anyone? C option. Assertion is correct. Reason is wrong. Reason तो wrong लिख पता ही है. Electrostatic forces conservative होते हैं. They are saying it is not conservative. और assertion है work done does not depend upon shape of path followed. Yes, ऐसे ही होता है. आपको याद होगा हमने जब potential की derivation की थी, हमने उसके बाद ही article किया था. उसी प्लेन में चार्ज क्यू नॉट को हम ए से बी तक लेके जा रहे हैं और फिर बी से ए तक लेके आ रहे हैं. ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज वी बी माइनस वी ए एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए इज बी ए माइनस वी बी. ठीक है, ये था. और जब हम इनको एड करते हैं तो वर्क डन हमारा जीरो आ जाता है क्योंकि ये सब कैंसल आउट हो जाता है. After n, our work done becomes zero. तो work done हमारा shape of path followed पे depend नहीं करता, सिर्फ initial final position A और B पे depend करता. ठीक है, तो ये हमने प्रूव किया था showing that electrostatic forces are conservative. तो C part correct है. Assertion is true, reason is wrong. Next assertion लिखो. Assertion, lines of force are perpendicular. Lines of force are perpendicular to conductor surface. Lines of force are perpendicular to the conductor surface. Reason, generally electric field is perpendicular to equipotential surface. Generally electric field is perpendicular to equipotential surface. चलो अब आप बताओगे पहले तो statements correct हैं कि नहीं. Are the statements correct or not? Yes, students, are the statements correct? Yes, Shivam is saying correct. Both are correct. Now tell whether B is reason is explanation of assertion also or not. वो है क्या? Yes, वो भी है. तो option A is correct. ठीक है, our A option is correct because lines of force are always perpendicular to the surface of a conductor. And electric field is perpendicular to equipotential surface. और equipotential surface जो है वही उसी के along हमारा line element होता है. Okay, got it? Is that clear? देख लो एक बारी सारे question को, doubt है तो पूछ लो. All right? तो assertion थी in a simple electrical circuit the point of lowest potential is the positive terminal of the battery and reason is current flows due to electron drift in a conductor. Assertion is wrong, reason is right, so that's why our D option is correct. Next assertion note kariye, Ohm's law is applicable for all conducting elements. Ohm's law is applicable for all conducting elements. Reason, Ohm's law is a fundamental law. Ohm's law is a fundamental law. चलिए अब इसका बताइए कौन सी, ए बी सी की डी क्या. ओम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स है क्या, बताओ. इज ओम्स लॉ एप्लीकेबल टू ऑल कंडक्टर्स, कंडक्टिंग एलिमेंट मतलब कंडक्टर्स. यस, इट इज एप्लीकेबल. ओम्स लॉ इज अ फंडामेंटल लॉ, इज इट सो? नो, ओम्स लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ, इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस. फंडामेंटल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है ये. ठीक है, मतलब फंडामेंटल नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं है. इट इज नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली. वी हैव सो मेनी नॉन ओमिक कंडक्टर्स, तो जब हमारी कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी तो वो यूनिवर्सल नहीं रहेगा, हर जगह एप्लीकेबल नहीं रहेगा. तो हमारा रीजन फॉल्स है. सो आवर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. नेक्स्ट सेक्शन देखिए, देर इज नो करंट इन मेटल इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. नोट कर लो, देर इज नो करंट इन मेटल इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जब तक हम
वोल्टेज सप्लाई नहीं लगाते हैं, पावर सप्लाई नहीं लगाते हैं, तो करंट फ्लो नहीं करता मेटल. रीजन, इन अ मेटल इलेक्ट्रॉन्स हैव रैंडम मोशन. क्या इसका रीजन यही है कि इन अ मेटल इलेक्ट्रॉन्स हैव रैंडम मोशन? बताइए, क्या यही रीजन है इसका? रैंडम मोशन है, यस, ये भी ट्रू है और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रही है. तो आपका आंसर है ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन की वजह से वो कैंसल आउट हो जाती हैं थर्मल वेलोसिटीज. इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटीज होती है ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर. तो सपोज रूम टेम्परेचर पे भी हमने इसको रखा हुआ है, तो वो वेलोसिटीज आप एक दूसरे में से कैंसल आउट हो जाती है, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं करता इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो दे गेट ओरिएंटेड एंड दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट प्लेट बिकॉज ऑफ दैट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, क्योंकि उनका एक डायरेक्शन मिल जाती है मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, सो यहाँ पे आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आल्सो. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट इसमें तो पूछ लो. यस आई नो कि कंफ्यूजिंग होते हैं कई बार, बट आपको प्रैक्टिस चाहिए. आप ये मत समझना कि डेरिवेशंस नहीं आनी, हमारा काम बहुत इजी हो गया है, ऐसे ही एबीसी तुक्के से टिक कर देंगे. तो एक एक करके सारा पेपर ही जब ऑब्जेक्टिव है तो बहुत ही लॉस हो जाएगा अदरवाइज, है ना? राइट, चलिए अब एक केस स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का. देखिए कितना डिफरेंट केस स्टडी है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा. ईईजी, ईईजी क्या होता है मेडिकल स्टूडेंट्स? आप बताइए व्हाट इज ईईजी? शायद आपको पता हो इसकी फुल फॉर्म. डू यू नो? हाँ जी, इलेक्ट्रोन्सिफेलोग्राम इज अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट दैट रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स इन योर ब्रेन. आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो, आपको पता होना चाहिए. द टेस्ट इज यूज्ड टू हेल्प डायग्नोज कंडीशंस सच एज सीजर्स, एपिलेप्सी, हेड इंजरीज, डिजीनेस, हेडेक्स, ब्रेन ट्यूमर्स एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम्स. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कंफर्म ब्रेन डेथ. द बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स इन योर ब्रेन प्रोड्यूस वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट फॉर्म पैटर्न्स कॉल्ड ब्रेन वेव्स. ड्यूरिंग एन ईईजी स्मॉल इलेक्ट्रोड्स एंड वायर्स आर अटैच्ड टू योर हेड. द इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट योर ब्रेन वेव्स एंड द ईईजी मशीन एम्पलीफाइज द सिग्नल एंड रिकॉर्ड्स देम इन अ वेव पैटर्न ऑन ग्राफ पेपर और अ कंप्यूटर स्क्रीन. तो इस तरह का वेव पैटर्न आ जाता है, ये देखिए लाइक दिस, इस तरह का वेव पैटर्न आ जाता है ये. ठीक है, क्वेश्चन है नंबर वन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी? ऑप्शंस आर नो रिलेशन, चार्ज डेंसिटी इज करंट डेंसिटी पर यूनिट टाइम, करंट डेंसिटी इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट टाइम, या नन ऑफ दीज. चलिए बताइए क्या आंसर आएगा. करंट डेंसिटी जे होती है ना, करंट डेंसिटी को कह रहे हैं इस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट टाइम. फॉर्मूला बताओ, डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी जे होता है करंट पर यूनिट एरिया, है ना, यही होता है ना करंट पर यूनिट एरिया. व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इन्होंने कहा है करंट डेंसिटी इज करंट डेंसिटी पर यूनिट टाइम, चार्ज डेंसिटी इज करंट डेंसिटी पर यूनिट टाइम, या करंट डेंसिटी इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट. वेरी सिंपल, अगर आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, ठीक है, तो आप इसको ए से डिवाइड कर दो, दोनों साइड्स को डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए. तो ये आई ओवर ए आपकी करंट डेंसिटी है और टाइम को अलग से रखो यहाँ पे. क्यू बाय ए आपका क्या है? सिग्मा, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी. तो यस, करंट डेंसिटी इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट टाइम. तो सी ऑप्शन करेक्ट, करंट डेंसिटी इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट टाइम. आपने ये बेसिक रिलेशन यूज किया, दोनों साइड्स को ऐसे डिवाइड कर दिया, दिस बिकम्स करंट डेंसिटी एंड दिस चार्ज ओवर एरिया बिकम्स सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी. तो ये आपका सी पार्ट करेक्ट है, वेयर दे आर सेइंग दैट करंट डेंसिटी इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट टाइम. सेकंड है,
एन ईईजी इज नॉट यूज्ड टू डिटेक्ट ब्रेन ट्यूमर एपिलेप्सी डिजीनेस नेक पेन. पैराग्राफ में ही दिया हुआ है, वहीं से बताना है आपको. क्या नहीं डिटेक्ट करता ईईजी बताइए, कौन सी ऑप्शन आएगी? व्हाट इज नॉट डिटेक्टेड बाय ईईजी अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ? ब्रेन ट्यूमर एपिलेप्सी डिजीनेस नेक पेन बोलो. यस शिवम. मैम नेक पेन. वेरी गुड. नेक पेन नहीं दी हुई, ब्रेन से रिलेटेड चीजें हैं सारी. थर्ड है ब्रेन प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट फॉर्म पैटर्न्स कॉल्ड हेड वेव स्कल वेव ब्रेन वेव नन ऑफ दीस. उस ऊपर पैराग्राफ में ही दिया हुआ था, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बताओ. ब्रेन वेव सी पार्ट ब्रेन वेव, ये पैराग्राफ में से ही है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप ही है, इतना इजी नहीं आएगा शायद आपको. फोर्थ है करंट डेंसिटी इज करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया करंट पर यूनिट वॉल्यूम करंट डिवाइडेड बाय एरिया करंट डिवाइडेड बाय लेंथ. ये तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, इट इज करंट डिवाइडेड बाय एरिया, सी ऑप्शन इज करेक्ट. फिफ्थ है अ चार्ज डेंसिटी ऑफ 50,400 कूलम पर मीटर स्क्वायर, इतनी हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी है. ऑप्शंस है विल नॉट कॉज ब्रेन लेजन्स विल कॉज ब्रेन लेजन्स मे कॉज ब्रेन लेजन और नन ऑफ दिस. क्या होगा इतनी हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी से ब्रेन में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कोई वेरिएशंस आ सकती हैं वेव पैटर्न्स में कि नहीं आ सकती? तो इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ से ही हमें देखना पड़ेगा. बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स इन योर ब्रेन प्रोड्यूस वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट फॉर्म पैटर्न्स कॉल्ड ब्रेन वेव्स. और सरफेस चार्ज डेंसिटी का तो इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया हुआ. देखो ये बिल्कुल भी पैराग्राफ में भी नहीं है, उससे रिलेटेड भी नहीं है. और इन्होंने आंसर दिया हुआ है विल नॉट कॉज ब्रेन लेजन्स LESIONS. तो आप प्लीज इसको सर्च करिए कितनी चार्ज डेंसिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है, टू कॉज ब्रेन लेजन्स. आपकी यहाँ पे दी हुई है 50,400. तो आप नेट से इसको चेक करना कि कितनी सरफेस डेंसिटी रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस ब्रेन लेजन्स. ठीक है, गॉट इट, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई थिंक आपको काफी आइडिया हो गया होगा सर्शन रीजन कैसे करने हैं, आपने कैसे सोचना है उसमें. ठीक है, और देखो एक असर्शन, अ मीटर ब्रिज कैन हैव अ वायर ऑफ एनी लेंथ. रीजन ग्रेटर द लेंथ ऑफ वायर ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ मीटर ब्रिज. बताइए ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ मीटर ब्रिज, क्या आएगा ऑप्शन? असर्शन करेक्ट है आपकी, वो तो रॉन्ग है ना. मीटर ब्रिज में 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है. दे आर सेइंग मीटर ब्रिज कैन हैव अ वायर ऑफ एनी लेंथ, वो रॉन्ग है. रीजन बताओ, रीजन करेक्ट है कि नहीं? ग्रेटर द लेंथ ऑफ वायर ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ मीटर ब्रिज, ये करेक्ट है कि नहीं? इज इट करेक्ट और नॉट? इज इट करेक्ट और नॉट बोलो. बताइए. यस दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तो आपका आंसर आएगा डी. असर्शन इज ट्रू रीजन इज असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू. डी आएगा, असर्शन रॉन्ग थी बट रीजन करेक्ट. वो हमें पोटेंशियोमीटर में प्रूव हो चुका है कि जितनी ग्रेटर लेंथ लेंगे उतना ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी. मीटर ब्रिज में भी ऐसे ही होगा, ग्रेटर लेंथ लेंगे तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी मे बी. ठीक है, एक सेकेंड. विदिशा डिड यू लीव इन बिटवीन? ठीक है, नेक्स्ट सुनो. असर्शन, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज जीरो एंड रेजिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स इज जीरो करंट मे फ्लो बिटवीन द पॉइंट्स.
तो क्या करंट फ्लो करेगा? दोनों पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, रेजिस्टेंस भी जीरो है, तो करंट मे फ्लो, बट फिर भी वो कह रहे कि करंट फ्लो कर सकता है. और रीजन है किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. हाँ शिवम, क्या कहते हो आप? व्हाट डू यू से? मैम सर तो रॉन्ग है, वी इक्वल्स टू आई आर, से अगर दोनों ही जीरो हो गए तो आई भी जीरो ही होगा. अच्छा, और रीजन, रीजन का क्या? रीजन करेक्ट है मैम, वो किरचॉफ लॉ का नहीं पता था. इन्होंने आंसर दिया हुआ है, इन्होंने ये तो कह रहे हैं कि असम्पशन भी करेक्ट है, रीजन तो करेक्ट है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बट असर्शन इन्होंने ये दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों करेक्ट हैं और रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है. आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम. कम से कम रेजिस्टेंस तो होना चाहिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है फिर भी करंट फ्लो नहीं करेगा. आप ये देखिए, जंक्शन लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं जब करंट थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस, तो हम रेजिस्टेंस को देखते हैं. अगर रेजिस्टेंस इक्वल है वायर्स का तो हम सेम करंट भेजते हैं, नहीं तो नहीं भेजते. तो इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है.